क्योंकि बेउर जेल में ये बंद थे और बेउर जेल से सीधे जो है यहाँ पटना सिविल कोर्ट जो है त्रिलोकनाथ दुबे के कोर्ट में जो MP MLA कोर्ट है उनके कोर्ट में यहाँ पे पेशी कराई जाएगी और तमाम जो समर्थन है वो सभी लोग पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए आज 21 तारीख को, तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए, 60 से अबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है, किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों को रिकवरी है या किसी तरह का, तो सारी परिस्थिति के बाद 10 साल की सजा दी गई है, सारी सजाएं जो भी है जिस सेक्शन में, 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c) इसमें सजा नहीं दी गई, जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको किनको मिला है आनंद सिंह के अलावा? मेंबरशिप तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष नहीं, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है कैसे क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से मेंबरशिप निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे किसी भी कोर्ट ने किन धारा जो धारा है जिस तरीके से कोर्ट ने बताया कोर्ट में जो चुकी जो भी धाराएं थी एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है, तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1)(a) जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का 2 लाइफ इंप्रीजमेंट भी था, लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है, सारी जो भी सजाएं हैं साथ साथ चलेंगी सारे।